हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चाहते चैनल में स्वागत है। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है उसे बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट किया था और उसके अंडर आने वाले डीपीपी एंड एक्सरसाइजेस के डाउट्स को हम कंप्लीट कर रहे थे। उसमें से डीपीपी 1, 2, 3, 4 एंड 5 के सभी डाउट्स कंप्लीट हो चुके थे, तो इस लेक्चर में हम डीपीपी 6 के डाउट्स को कंप्लीट करेंगे। डीपीपी 6 में टोटल आपको 15 प्रॉब्लम्स हैं जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है, तो उनके डाउट नंबर 6, 8 एंड 10 जो आपने मुझे सेंड किए हैं, हम इन प्रॉब्लम्स को वन बाय वन करके देखेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को अच्छे से और कंटिन्यू और एंड तक देखो, ताकि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो आपको अच्छे से जान सको और कोई भी इस टाइप का प्रॉब्लम आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 6। क्या है प्रॉब्लम नंबर 6? द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकम्पोजेस एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू। सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है, एक कहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन। सो डिकम्पोजिशन टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको अच्छे से पता है जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट ई रेस टू माइनस के टी। कभी भी हमें क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम्स के टाइप को आइडेंटिफाई करना चाहिए। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन का प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इन टू ई रेस टू माइनस की वे के टी, वेर के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द रेट इज डिक्रीजिंग। ओके, एक्स नॉट इज अ इनिशियल अमाउंट, ओके ना, व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो होता है, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स नॉट। हमने इस टाइप के सभी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स बोर्ड में स्टडी किए हैं एंड कॉम्पिटिटिव में भी देखे हैं। तो चलो देखो, प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट, इफ 10% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट इन 100 ईयर्स। सो इनिशियली अब उन्होंने डाटा जो दिया है वो परसेंट में, तो चलो देखो परसेंट में, यानी कि इनिशियली दैट इज व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो हम एक्स इज इक्वल टू क्या लेते हैं, एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या लेंगे, 100। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो चेंज होके क्या होगा, एक्स इज इक्वल एक्स नॉट की जगह पे क्या पुट करेंगे, 100 इन टू ई रेस टू माइनस के टी, ऐसा हमारा क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। ये आपको पता है, ये आपका क्या होता है, सॉल्यूशन। और ये क्या आ गया, इनिशियल टाइम कंडीशन का करने के बाद हमारे पास फॉर्मुलेशन आ गया। अब क्या हो गया कि 100 इयर्स में 10% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट, ओके ना। तो यहां पे x क्या होता है, x इज अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टाइम t या फिर एट एनी इंस्टेंट t द अमाउंट प्रेजेंट क्या होता है, x होता है। तो 100 साल में, मतलब t की वैल्यू हम क्या लेंगे, t इज इक्वल टू 100 इयर्स, 100 साल में कितना कम हो गया, 10% कम हो गया। इनिशियली तो हमने क्या लिया है, 100 लिया है, तो उसमें से 10% कम हो गया, मतलब कितना कम हो गया, 10 कम हो गया, तो कितना बचा, तो 90% बचा, यानी कि 100 लिया तो x कितना लेना है हमें, 90 लेना है। आप यहाँ पे गलती कर जाते हो, उन्होंने 10% ऑफ अमाउंट क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, डिकम्पोज हो गया, खत्म हो गया, ऐसा बताया है। लेकिन यहाँ पे जब हम फॉर्मुलेशन यूज करते हैं, वहां पे x क्या होता है, द अमाउंट लेफ्ट अमाउंट प्रेजेंट इन टाइम t, तो क्या कम हो गया, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, कितना प्रेजेंट है, कितना है हमारे पास, उससे हमें लेना देना है। तो 10% कम हो गया, हमने टोटली लिया ही 100 है, मतलब 10 हो गया, कितना बचेगा, 90 बचेगा। सो x की वैल्यू 90 एंड t की वैल्यू 100 ईयर्स अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 90 इज इक्वल टू 100 इन टू ई रेस टू माइनस के इन टू 100, एक 0 0 कैंसिल हो गया, देयर फोर ई रेस टू माइनस 100 के इज इक्वल टू 9/10, इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1। अब देखो क्या पूछा है, देन आफ्टर 1000 ईयर्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल बी, मतलब 100,000 ईयर्स के बाद, ओके, तो 1000 ईयर्स के बाद कितना बचेगा, ये उन्होंने बोला है। यानी कि x के बारे में हमें पूछा गया है एंड t कितना दिया है, 1000 ईयर्स,
थाउजेंड ईयर्स के बाद कितना बचेगा ये पूछा गया है, तो ये वैल्यू जो है हम हैश में पुट करेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू ई रेस टू माइनस के, टी की वैल्यू क्या पुट करनी है 1000, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू ई रेस टू माइनस 100 इंटू 10, लेकिन इसकी वैल्यू हमें अच्छे से पता है, क्या है वैल्यू 9/10। सो एक्स इज इक्वल टू 100 पावर इंटू पावर, मतलब पावर रेस टू पावर लिख सकते हैं, सो दिस इंटू दिस लिख सकते हैं, यानी कि 9/10 रेस टू 10 लिख सकते हैं। सो 100 मतलब क्या, 10 स्क्वायर इंटू 9 रेस टू 10 अपॉन 10 रेस टू 10, तो दो कैंसिल हो जाएंगे, सो 9 रेस टू 10 अपॉन 10 रेस टू 8, इतना अमाउंट क्या होगा बचेगा। जब हमने इनिशियली 100 लिया था, अगर इसे परसेंट में लेंगे तो ये भी परसेंट में होगा और ये भी कहाँ मिलेगा, परसेंट में, तो इतना अमाउंट जो है आपका वो 1000 ईयर्स के बाद बचने वाला है। तो आपका आंसर देखो, 6 का आंसर कितना आएगा, 9 रेस टू 10 अपॉन 10 रेस टू 8 परसेंट ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो आपका सॉल्व हो गया। अच्छे से देखो, डीके का प्रॉब्लम था, ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से पता है। t इज इक्वल टू 0 का मतलब एट द टाइम ऑफ स्टार्ट परसेंटेज में दिया है, तो इनिशियल वैल्यू हमने कितना लिया 100, तो यहाँ पे x नॉट की जगह पे मैंने 100 पुट किया। 100 साल के बाद वॉल्यूम कितना कम हो गया, 10% कम हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब कितना बचा, 90% बचा। सो x इज इक्वल टू 90, t इज इक्वल टू 100 यहाँ पे पुट किया, तो हमें क्या मिलेगा, e रेस टू 100 k की वैल्यू मिलेगी। अब हमें क्या करना है, 1000 ईयर्स के बाद, 1000 ईयर्स के बाद क्या फाइंड करना है, अमाउंट लेफ्ट फाइंड करना है। तो इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू 1000 पुट करेंगे, जो डाटा हमारे पास है उसको यूज करेंगे, तो एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी। ऑप्शन से चेक करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। परसेंटेज के प्रॉब्लम को डरने वाली कोई बात है नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, अगर जहाँ पे परसेंट आता है वहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम कितना अश्यूम करना है, 100 अश्यूम करना है। तो चलो देखो, नेक्स्ट डाउट जो है आपका वो है प्रॉब्लम नंबर 8। क्या है देखो, एन आइस बॉल्स मेल्ट्स एट द रेट विच इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द आइस एट दैट टाइम। ओके, सो डी एक्स बाय डी टी, ये क्या है, रेट ऑफ आइस मेल्ट। तो चलो देखो प्रॉब्लम को कैसे फॉर्म करना है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, रेट ऑफ आइस मेल्ट डी एक्स बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ आइस प्रेजेंट एट दैट टाइम। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ आइस प्रेजेंट एट टाइम टी रिप्रेजेंट करता है। तो चलो देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के इन टू एक्स। यहाँ पे माइनस के क्यों लिया, एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, सो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये साइज जो है आइस की वो क्या होगी, कम होगी, मतलब रेट जो है वो कम होगा, इसलिए साइन क्या आया है, निगेटिव आया है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से पता है सेम प्रॉब्लम कहाँ आता है, डीके में आता है, डिकम्पोजिशन में आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इन टू ई रेस टू माइनस के टी, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टार। अब देखो आगे, If half the quantity of ice melts in 20 minutes, x naught क्या होता है, x naught is a amount of ice at the start. जब हमने स्टार्ट किया था तब कितना अमाउंट था, x naught जितना अमाउंट था। उन्होंने क्या बताया, हाफ क्वांटिटी ऑफ आइस मेल्ट्स इन 20 मिनट्स। इनिशियली हमने कितना लिया, x naught, तो उसके हाफ कितना होगा, x naught अपॉन 2, इतना खत्म हो गया, कितना बचा, x naught अपॉन 2। x क्या है, अमाउंट प्रेजेंट एट टाइम t है। अच्छा, जो कितना खत्म हो गया ये नहीं है, कितना बचा है ये आपको क्या बोलता है, x बोलता है। सो x की वैल्यू कितनी है, हाफ खत्म हो गया, मतलब कितना बचा, हाफ बचा, कब, व्हेन t इज इक्वल टू 20 मिनट्स। तो x की वैल्यू x नॉट बाय 2 एंड t की वैल्यू 20 मिनट्स से यहां पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू x नॉट e रेस टू माइनस k इनटू 20, x नॉट कैंसिल होगा, देयरफॉर e रेस टू माइनस 20 k इज इक्वल टू 1/2, इस इक्वेशन क्या बोलेंगे, 1। अब देखो,
The 1/8 of original amount of ice remains after. Original volume कितना था x naught? कितना चाहिए? 1/8 of original, यानी कि 1/8 of x naught चाहिए. मतलब x is equal to क्या है? 1/8 of x naught. तब हमें क्या find करना है? Time find करना है. So same value हम यहाँ put करेंगे star में. 1/8 of x naught is equal to x naught e raised to minus k into t. T तो find करना है. x naught क्या होगा? Cancel. 1/8 मतलब क्या? 1/2 का क्यूब इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी. अब देखो ई रेस टू माइनस 20 के जो है इसकी वैल्यू क्या है? 1/2. तो यहाँ पे 1/2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे? ई रेस टू माइनस 20 के. सो ई रेस टू माइनस 20 के क्यूब इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी. पावर्स रेस टू पावर क्या होता है? पावर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है. तो क्या मिलेगा? चलो ई रेस टू माइनस 60 के इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी. माइनस के कंपेयर किया तो आपको टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 60. यहाँ पे टाइम हमने कहाँ लिया था? यहाँ पे हमने क्या किया था? t इज इक्वल टू 20 मिनट्स. मतलब टाइम कहाँ लिया था हमने? मिनट में. तो यहाँ पे भी हमें टाइम कहाँ मिलेगा? मिनट में. सो t इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि क्या? 1 आवर. अच्छे से देखो डाटा कौन से यूनिट में लिया है, उसी यूनिट में हमें क्या मिलेंगे? आंसर्स. तो आंसर्स अगर आप देखोगे, ऑप्शन देखोगे, तो ऑप्शन मिनट में नहीं तो आवर्स में है. तो हमें मिनट का कन्वर्जन कहाँ करना पड़ेगा? आवर में करना पड़ेगा. सो आपका आंसर आएगा 1 आवर, दैट इज 8 का आंसर आएगा ए. तो इस तरह से बड़ी आसानी से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया, आंसर आएगा ए. तो चलो देखो, डिकम्पोजिशन हो या फिर आइस मेल्ट हो, दोनों के प्रॉब्लम एक ही टाइप में जाएंगे. और ये कैसे सॉल्व करना है वे बड़ा सिंपल है. हमने थ्योरी में सेम टाइप के प्रॉब्लम स्टडी किए हैं, थ्योरी भी स्टडी की है. सॉल्यूशन कैसे ऑब्टेन होता है, फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन किया है, ये भी मैंने आपको थ्योरी में डिटेल में समझाया है. तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बड़े आसानी से आपको सॉल्व होने चाहिए थे. तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम नंबर 10. चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 10. द रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ अ पर्सन्स एसेट्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ हिज एग्जिस्टिंग एसेट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो रेट ऑफ dx/dt ये क्या है? रेट ऑफ रिडक्शन. ये क्या है? रेट ऑफ रिडक्शन. रिडक्शन ऑफ व्हाट? रिडक्शन ऑफ एसेट. तो x क्या होगा? Therefore x इज इक्वल टू एसेट प्रेजेंट एट एनी टाइम टी. किसी भी टाइम को कितने एसेट प्रेजेंट है ये क्या करेगा? एक्स रिप्रेजेंट करेगा. एंड dx/dt क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेट ऑफ रिडक्शन. तो उन्होंने क्या दिया है? गिवन कंडीशन क्या है? द रेट ऑफ रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ एसेट्स. क्या दिया है? स्क्वेयर रूट ऑफ एसेट्स. तो रेट ऑफ क्या है? रिडक्शन. मतलब क्या हो रहे हैं? एसेट्स कम हो रहे हैं, एसेट्स घट रहे हैं, एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं. तो फिर रेट कैसा होगा? निगेटिव. सो dx/dt इज इक्वल टू माइनस के इंटू रूट एक्स. इस तरह से सबसे पहले हमें क्या फॉर्म करना पड़ेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा. यहाँ पे आप किसी भी ओल्ड फॉर्मुलेशन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रेट ऑफ रिडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एसेट्स प्रेजेंट ऐसा नहीं है, क्योंकि स्क्वेयर रूट ऑफ एसेट्स प्रेजेंट ऐसा है. तो आप ओल्ड फॉर्मुलेशन को यूज नहीं कर सकते. तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो रूट एक्स है यहाँ पे आएगा, डी टी यहाँ पे जाएगा. सो डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी. ये क्या है? इट इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. तो क्या करना है? सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेट करना जरूरी है. सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी. इंटीग्रेशन का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है. अब आपका तो ये हो चुका है. सो टू रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी. सी डैश लेंगे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, टू से डिवाइड करेंगे. सो रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के अपॉन टू टी प्लस सी डैश अपॉन टू. तो ये भी नहीं कॉन्स्टेंट होगा. सो रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के बाय टू टी प्लस सी. ये आपको क्या मिलेगा? सोल्यूशन मिलेगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का.
तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना था, प्रॉब्लम को सॉल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करने की जरूरत थी। तो चलो हमने किया। अब आगे देखो क्या भैया, इन टू ईयर्स हिज एसेट्स रिड्यूसेस फ्रॉम 20 lakhs टू 6.25 lakhs। मतलब वो जो पर्सन है उसके पास एसेट कितने प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, 25 lakhs। सो टी इज इक्वल टू जीरो हम पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 25 lakhs। तो यहां पे अगर पुट किया सो रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू माइनस के अपॉन टी इन टू जीरो प्लस सी, देयर फोर सी इज इक्वल टू 5 आएगा, यहाँ स्टार में रिप्लेस करेंगे, देयर फोर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2t प्लस 5, इसे हम क्या बोलेंगे, हैश बोलेंगे। पर्सन के पास 25 lakhs थे, पर्सन रिच था, लेकिन 2 साल के बाद उसका बहुत सारा अमाउंट क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, कम हो गया। अब 2 साल के बाद उसके पास सिर्फ कितना अमाउंट प्रेजेंट है, 6.25 lakhs अमाउंट ही प्रेजेंट है। तो इसका यूज करके, ये जो कंडीशन है इसका यूज करके हमें क्या मिला, एट द टाइम ऑफ स्टार्ट उसके पास कितने थे, 25 lakhs थे। तो हमने पहले सी की वैल्यू फाइंड की, अब प्रेजेंट कितना है 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, सो टी की वैल्यू क्या लेंगे, 2 ईयर्स, 2 साल के बाद उसके बाद प्रेजेंट कितना है, अब एक्स की वैल्यू कितनी है, 6.25 lakhs। तो यहाँ पे पुट करेंगे सो रूट ऑफ 6.25 इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 क्या हो गया कैंसल, 6.25 का स्क्वेयर रूट क्या आएगा, 2.5। आपको पता है 25 का स्क्वेयर कितना है, 625, सो 6.25 का स्क्वेयर रूट क्या आएगा, 2.5 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 5, ये जो है यहाँ आके क्या बनेगा प्लस, ये वहां जाके माइनस बनेगा, 5 माइनस 2.5, सो के इज इक्वल टू क्या आएगा, 2.5, हैश में रिप्लेस करेंगे, सो रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2.5 अपॉन 2 इंटू टी प्लस 5। देखो बड़ा सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देन द पर्सन विल बी बैंक्रप्ट इन अनादर, इन अनादर मतलब यहां से आगे, अच्छे से देखो यहां से आगे कितने दिन बाद या कितने साल बाद, ऑप्शन देखोगे तो इयर्स में है, तो यहां से आगे कितने साल बाद वो जो पर्सन है वो पर्सन बैंक्रप्ट हो जाएगा, मतलब कंगाल हो जाएगा, उसका दिवाला निकल जाएगा, ऐसा कब होगा ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब देखो कब कितने साल बाद उसका बैंक्रप्शन होगा, मतलब उसका दिवाला निकल जाएगा, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, टी मतलब क्या, कितने साल बाद उसके पास जीरो बैलेंस रहेगा, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, जीरो, यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, सो जीरो इज इक्वल टू माइनस 2.5 अपॉन 2 इंटू टी प्लस 5, ये आके प्लस होगा, सो 2.5 अपॉन 2t इज इक्वल टू 5, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, सो टी इज इक्वल 5 × 2 = 10 अपॉन 2.5, सो टी इज इक्वल टू 4 ईयर्स। मतलब एट द टाइम ऑफ स्टार्ट से 4 साल में उसका दिवाला निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बैंक्रप्ट हो जाएगा। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, वहां पे कॉन्सेंट्रेट करो, विल बी बैंक्रप्ट इन अनादर, क्योंकि पहले 2 साल में आपके, आपको पता है क्या होने वाला है, 2 साल की कंडीशन आपके सामने है, मतलब जब स्टार्ट किया था तब उसके पास 25 लाख थे, अब 2 साल के बाद उसके पास सिर्फ 6.25 लाख है, अब आगे कितने दिन में वो बैंक्रप्ट हो जाएगा, मतलब 2 साल में 25 से 6.25 तक आ जाएगा, और अगले 2 साल में वो क्या हो जाएगा, बैंक्रप्ट हो जाएगा। तो आपको अगले साल पूछे गए इन अनादर, सो स्टार्ट से 4 साल में वो बैंक्रप्ट हो जाएगा, लेकिन 2 साल यहाँ पे हो चुके थे, तो यहाँ से आगे कितने में, तो 2 साल में आपका आंसर आना चाहिए। सो इन अनादर बोला है, एट द टाइम ऑफ स्टार्ट से 4 साल में, लेकिन जो कंडीशन मिडल में दी थी वहां से अगले 2 साल में वो क्या हो जाएगा, बैंक्रप्ट। तो आपका आंसर 4 ईयर्स नहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 ईयर्स, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन अनादर स्टार्ट से 4 साल में, लेकिन 2 साल के बाद 2 साल में वो क्या हो जाएगा, बैंक्रप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 10 जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम से यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कंडीशन दी है उसका यूज करके आपको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑप्टेन करना है। तो कैसे ऑप्टेन किया जाता है, प्रॉब्लम से कंडीशन सोलो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑप्टेन करो, तो आप कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, डरने वाली बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो देखो, ये जो DPP6 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।